अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आमिर खत्री और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल एमएस वर्ड में। आज हम सीखेंगे टेक्स्ट को कॉलम में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसकी कीबोर्ड शॉर्टकट कैसे जनरेट की जाती है। तो चलते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले रेंडमली टेक्स्ट ले लेते हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे अल्ट पी जे सी, तो इस टाइप का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें से जो भी हमें कॉलम स्टाइल चूज करना है सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी हम शॉर्ट की बनाना सीखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले डेटा को हमने सिलेक्ट कर लिया और प्रेस किया अल्ट प्लस एफ आई, तो इस टाइप की एक विंडो हमारे पास ओपन होगी। उसमें हम कस्टमाइज पे चले जाएंगे और वहां से हम आएंगे कैटेगरी में, लेआउट टैब सिलेक्ट करेंगे और फिर कमांड में आ जाएंगे। वहां से हम सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट कमांड और फिर इसको असाइन करवाएंगे कीबोर्ड शॉर्ट की। तो हमने इसकी असाइन करवाई अल्ट प्लस वन, नीचे असाइन का बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके इसको क्लोज करेंगे और फिर ओके कर देंगे। अब जो हमने रैंडमली टेक्स्ट लिया हुआ था उसको सिलेक्ट करके हम जैसे प्रेस करेंगे अल्ट प्लस वन, तो ये ऑटोमेटिक सेम कॉलम वाली विंडो पे आ जाएगा। वहां से हम सिलेक्ट कर लेंगे कोई सा भी कॉलम और फिर ओके करेंगे तो हमारा टेक्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें।